माननीय जय प्रदाजी संघर्ष करो। आजम खान जय प्रदाजी। आज क्या बात है जो आप यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं? माननीय जयप्रदा जी के खिलाफ जो अभी कुछ नेताओं ने गलत बयानबाजी की है, उसी महिलाओं के विरोध में हम लोग एक डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो भी हो वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि कुछ नेताओं ने महिलाओं का सम्मान को एक चुनावी मुद्दा बना दिया कि जब भी हो कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो, महिलाओं को कुछ नहीं समझता, वो कुछ ना कुछ उनके बारे में, उनके सम्मान के बारे में, उनके चरित्र के बारे में जो कुछ भी हो कह के निकल जाता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी ये अनुरोध करूंगी और प्रशासन से भी ये चाहूंगी कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कुछ नेताओं में कौन नेता है ऐसे? अब नेताओं सबसे ज़्यादा तो समाजवादी पार्टी के नेता ही बयानबाजी करते हैं गलत, तो और आज भी मैंने अभी पेपर में पढ़ा कि ये कहा गया कि अब तो चुनाव खत्म हो गया, वो अपना काम करें, हमें अपना काम करने दे। क्या महिलाओं का सम्मान, मैं उनसे नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ, क्या चुनावी मुद्दा है? जब भी चाहा वो महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ बोल दें और महिलाएं चुपचाप बैठी रहें। आपका पद और आपका नाम? मैं वीना भारद्वाज, पूर्व विधायक, दर्जा राजमंत्री, वो भी पूर्व में ही हूँ। इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ।